दोस्तों जयसवाल की दोहरे शतक के बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह तीसरे टेस्ट मैच में हरा दिया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर खेला गया था। इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम अपने पहली पारी में 445 रन बनाए थे, तो इंग्लैंड ने पहली पारी में 319 रन बनाए और भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने शुरू की थी तो जयसवाल ने पूरी तरह गेंदबाजों की धुलाई कर दी और वो 214 रन बनाकर लौटर रहे, जहां उनकी इस पारी में 14 छक्के तो बड़ा बड़ा छक्के शामिल थे। और इस मैच में सरफराज खान ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन करा और वो एक बार फिर से 12 छक्के शामिल थे। और इस मैच में सरफराज खान ने केवल 72 गेंदों में और 60 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे, तो सुमन गिल भी 91 रनों की शानदार पारी खेलकर रन आउट हो गए थे और सुमन गिल अपने शतक से केवल 9 रन दूर रह गए थे। और भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 430 रन बनाकर इंग्लैंड को तीसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 597 रनों का टारगेट दिया था। और जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 15 रन के स्कोर पर ही वेंडक्स को मोहम्मद सिराज ने रन आउट कर दिया था और रेड केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद 18 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने जैक रॉली को आउट कर दिया था और वो 11 रन बना पाए थे। तो 20 रन के स्कोर पर ओली फॉक्स ने केवल 3 रन बनाकर जडेजा की गेंद का शिकार बने बैठे और वेलस्टो भी केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और इंग्लैंड के 4 विकेट केवल 28 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इसके बाद इंग्लैंड की टीम का हालत और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 122 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और भारत की टीम ने यह तीसरा टेस्ट मैच 434 रनों से जीतकर इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने दूसरे इनिंग्स में 5 विकेट अपने नाम किए तो कुलदीप यादवपुर को 2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों भारत की टीम ने तीसरा टेस्ट मैच 434 रनों से जीतकर ये काफी बड़ी जीत दर्ज कर ली है।